गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास अवेलेबल मैथ में सीनियर एक्सरसाइज पार्ट 5। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। 13 तक हो गया था, 14 क्वेश्चन आपका है। देखो संबंध खुल गया। अच्छा ठीक है। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी के लिए यश लिखता हूं मैं। 100 विद्यार्थी हिंदी बराबर 100। 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी बराबर 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। 25 विद्यार्थी दोनों मतलब इंटरसेक्शन कॉमन यस इंटरसेक्शन ई बराबर दिया है कितना 25। कह रहा है विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। ठीक है, निश्चित है कोई अंग्रेजी जानता होगा, कोई हिंदी जानता होगा। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं क्या पूछ रहा है बेटा। एन एस यूनियन ई कर सकते हो बहुत प्यार से, NH प्लस फार्मूला NE। पता नहीं क्यों आज चाक नहीं सही चल रही है, मॉइस्चर लग रहा है। माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, इसी मान रख दो बेटा आ जाएगा। कर ही देता हूं, 100 प्लस 50 -25 दैट्स इक्वल टू 125। कुल कितने विद्यार्थी थे 125। आओ इसी को हम वैन डायग्राम्स दिखा देते हैं आपको। वैन डायग्राम्स चलो यूनिवर्सल सेट है। ये आपका हिंदी हो गया, ये हो गया इंग्लिश। पहले कॉमन पार्ट लिखते हैं, कितने हैं 25 है बेटा। हिंदी में कुल कितने थे 100, पूरे हिंदी में कितने थे 100। 100 में 25 तो आ गए, बचा कितना 75 केवल हिंदी बोलते हैं, 75 केवल हिंदी बोलते हैं। ठीक, अब बात आई अंग्रेजी की। अंग्रेजी में कितने बच्चे हैं 50 देखो 25 तो 50 में आ गया है, कितना बचा 25 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 25 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 75 केवल हिंदी बोलते हैं, 25 दोनों बोलते हैं। जोड़ दो बेटा देखो कितना आता है 75 25 100 मतलब एन एच यूनियन ई बराबर 75 प्लस 25 प्लस 25 दैट्स व्हाट 125। ठीक है, ये वैन डायग्राम्स हो गया। आप अगर इसको ऐसे भी हल करते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, और फार्मूला से करते हैं तभी मिलेगा। ओके, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को पोज करके रोक लीजिए, आप पोज करिए और नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, 15 क्वेश्चन है। 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया, 60 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र यच पढ़ते हैं। चलो भाई यहां समाचार पत्र यच है, NH हिंदी नहीं, समाचार पत्र यच, ये 25 लोग पढ़ते हैं। ठीक, 26 लोग समाचार पत्र टी एच फाइव हिंदुस्तान समझ लो, और 26 लोग समाचार पत्र टी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। ठीक, अब 26 लोग समाचार पत्र आई 26 लोग हैं इंडिया।
इंडियन एक्सप्रेस पेपर आता है, इंडियन एक्सप्रेस, उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 9 एन एच इंटरसेक्शन आई बराबर कितना, 9 लोग, ठीक। अच्छा 11 लोग एच और टी, 11 लोग एच इंटरसेक्शन टी, ये 11 लोग पढ़ते हैं, 8 लोग टी और आई, टी और आई कितने लोग, 9 लोग। सॉरी 8 लोग, 8 लोग ये दोनों पढ़ते हैं। अगर आप 3 लोग तीनों समाचार पढ़ते हैं, मतलब एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये 3 लोग पढ़ते हैं। करा कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाला, कम से कम 2 क्वेश्चन है। पहला है कम से कम एटलीस्ट 1, कम से कम 1, कम से कम एक, मतलब एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, कम से कम एक तो पढ़ते ही हैं, ठीक। दूसरा आपका है कम ठीक ठीक केवल एक पेपर, वन केवल एक पेपर, केवल एक पेपर, केवल एक पेपर पढ़ते, कम से कम एक, केवल एक, केवल एक पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा बेटा, अगर हम चाहें तो कम से कम एक पेपर, कम से कम एक पेपर का मतलब हुआ तीनों का यूनियन, तीनों का यूनियन, मतलब पहला में एन एच यूनियन टी यूनियन आई, आप इसका फार्मूला जानते हैं, एन एच प्लस एन टी माइनस एन टी प्लस एन आई माइनस एन इंटरसेक्शन एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस प्लस एन एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन या एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, सब मान दिया हुआ बेटा। इस फार्मूले में आप रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो आंसर निकालते हैं, कितना हुआ बेटा, कितना हुआ, एनएस कितना दिया हुआ है 25, एनटी कितना है 26, एनआई कितना दिया है 26 माइनस एच आई का इंटरसेक्शन 9 माइनस एच टी का इंटरसेक्शन, एच टी का सेक्शन यहां एन और टी आई का यहां है 8 माइनस 8 और एच आई का कितना है 9 माइनस 9 प्लस
तीनों का इंटरसेक्शन 3 कितना आएगा बेटा, 25 तीन 75 और 2 77, 77 और 3 80, 80 माइनस 9 9 18 9 18 926, तो 25 तीन 75 2 77 3 80 ठीक है 26 माइनस करो 26 4 30 और 50 80 मतलब कितना आया 54, कितना आया 54। ये कम से कम एक पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 54 लोग हैं, 54 लोग हैं, ठीक है। अब कह रहा है केवल एक पेपर, अब वैन डायग्राम की जरूरत आ गया, तो ठीक है, अगर वैन डायग्राम बनाया होता तो दोनों आंसर आ जाते वैन डायग्राम से, लेकिन मैं हट रहा हूँ, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा मैं, वीडियो को पॉज करें, रोकें, नोट करें। चलो वैन डायग्राम, हिंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हो गया। अब बेटा हम यहां से शुरू करेंगे, जो तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन कौन है बेटा, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, ये तीनों कॉमन है, ये कितना है 3, कितना है 3। अब इसको ये हो गया, अब इसको देखो, टी और आई में कितना है 8, टी और आई में 8, 8 में से 3 आ गया है बेटा, कितना हुआ 5। टी आई का इंटरसेक्शन इतना पूरा है ना बेटा, ये वाला, ये जब टी आई है, ये वाला, ये इस पूरे में कितने हैं 8, टी और आई में कितने हैं 8, 8 में से 3 ऑलरेडी भरा जा चुका है, कितना बचा 5। चलो ये अब ये देखो, एच इंटरसेक्शन टी में कितने हैं 11, तो एच इंटरसेक्शन टी बेटा ये वाला है, जरा देखो ये वाला पोर्शन है, इसमें कितने हैं 11, 11 में तो 3 तो भरा जा चुका है, कितना बचा 8, ठीक। अब आइए एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9, यही तो है एच आई का इंटरसेक्शन पोर्शन, ये वाला, इसमें कुल कितने हैं 9, 9 में 3 भर चुके हैं, कितना बचा 6, ठीक हो गया। अब एच एन एस देखो, 25 हैं इस पूरे गोले में, कितने लोग हैं 25, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ने वाले कुल कितने लोग हैं 25, इस 25 में 8, 3, 11, 6, 17 आ चुके, 17 आ चुके, तो 25 में से 17 माइनस कर दो, कितना आया 8, केवल हिंदी पेपर पढ़ते, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। चलो एसटी देखो, 26 है, इस 26 में से कितना आ चुका है जरा ये देखो, ये 8 है, अब ये बोला देखो, ये वाला बोला, इसमें 8 3 11 5 16 इसमें आ गए, कितना बचा 10, 26 में से 8 3 11 5 16, ठीक है। अब कुल टी में मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने थे 26 में 8 3 11 5 16 हो चुका है, बचा कितना 10, कितना बचा 10।
अब इंडियन एक्सप्रेस वाला देखिए 26 लोग हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का काम ये वाला गोला है, ठीक, ये वाली सर्किल है, तो इसमें कितने हैं, 26 में से 26 में से 6, 3, 9, 5, 11 लोग आ चुके हैं इसमें, तो 26 में से 11 माइनस कर दो कितना बचा, 15 केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 15 केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। तो अब देखो जो पहला लगाया था हमने, पहला एन एस यूनियन टी यूनियन आई, जरा देखो इसी भी आया रहा, सबको जोड़ लो, 8 + 8 + 3 + 6 + 3 + 6 हो गया इधर का, अब 15 + 5 = 20 + 15 + 5 = 10 टोटल ले लेंगे ना यूनियन में, टोटल कितना हुआ, 8 + 16 = 16 3 19 19 6 25 25 5 30 30 5 8 + 8 = 19 19 6 25 25 5 30 30 5 5 10 45 उसमें कितना आंसर आया था बेटा, कहाँ गया भाई, बावन आया था क्या उसमें, याद भी तो नहीं आ रहा है, कितना आया था याद नहीं आ रहा है, 25 + 26 + 26 तो इसको किए थे 25 × 75 = 272 किए थे, ये 3 ऐड किए थे तो 80 हो गया था, 80 में तीनों इंटरसेक्शन माइनस करना था हमको, 11 + 28 = 11 + 9 = 20 + 8 = 28 तो कितना आया था, 52 हाँ 52 उतर आया था, किसी इसमें 45 कैसे आ रहा है, 8 + 8 = 16 16 + 3 19 19 = 25 25 + 30 30 + 10 = 40 45 + 10 = 55 कहीं गड़बड़ी की है बेटा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, फिर से चेक करते हैं, चलो फिर चेक करते हैं, इंटरसेक्शन 3 था, ठीक 3 था, आप यस इंटरसेक्शन टी देखते हैं या यस इंटरसेक्शन आई, तो यस इंटरसेक्शन आई में ये गोला था, ये 6, 3, 9 हो गया था, तो 3 इसमें 6 इसमें हो गया 9, चलो यस इंटरसेक्शन टी इसमें 11 था, इस वाले में 8 × 11 नहीं इसमें कितना था, 25 था, अच्छा हाँ 11 था, 8 तो इसमें 3 यही गड़बड़ी कर दिए बेटा, यही गड़बड़ी की, देखो एच इंटरसेक्शन टी में 11 थे 3 आ गया 8 × 8 = 11 ठीक तो है, ठीक है, चलो टी इंटरसेक्शन आई 8 था, तो टी इंटरसेक्शन आई में ये वाला पोर्शन था 3 था, 5 हो गया, ठीक है, एन एच में कितना था, 25 25 में 6 3 9 8 17 17 8 25 8 हो गया इसमें, ठीक है, एन टी में 26 था, तो 26 + 8 = 11 11 + 5 = 16 16 + 10 = 26 हो गया, इसमें कितना था आई में, 26 तो 6 3 9 9 5 14 हाँ यही गड़बड़ी है,
छब्बीस था ना, इस गोले में छब्बीस था, तो पाँच तीन आठ, आठ छः चौदह, यहाँ कितना आना चाहिए बारह, चौदह बारह छब्बीस, चौदह बारह छब्बीस, यही गड़बड़ी थी। चलो तो आठ धन आठ धन तीन धन छ ना, धन बारह धन पाँच धन दस, चलो आठ आठ सोलह तीन उन्नीस, उन्नीस छः पच्चीस, पच्चीस दस पैंतीस, दो सैंतीस, सैंतीस पाँच बयालीस, दस बावन, ठीक बावन। पहला आंसर आपका निकल गया, यही गड़बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। चलिए ठीक है, ये तो पहला आंसर हो गया आपका। कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, बावन, ठीक। अब आपका सेकंड है, क्या सेकंड है, केवल एक, क्या केवल एक, तो केवल एक कितना पढ़ेंगे बेटा, केवल एक, एक सेकंड को, केवल एक, तो केवल हिंदुस्तान टाइम कौन पढ़ता है आठ, केवल टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है दस, केवल केवल इंडियन एक्सप्रेस कौन पढ़ता है बारह, तो केवल एक, तो आठ धन बारह धन दस कितना हो गया बेटा, बारह आठ बीस दस तीस, तीस लोग केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आठ दस अट्ठारह, अठारह दो तीस दस, सॉरी आठ दस अठारह दो बीस दस तीस, तीस लोग बेटा केवल केवल एक पेपर पढ़ते हैं, केवल एक पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, लास्ट है आपका। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी, एन बी बराबर 26, और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं, 14 लोग ए और बी दोनों, 14 लोग ए और बी दोनों पसंद करते हैं, 12 लोग सी और ए, 12 लोग सी और ए दोनों पसंद करते हैं, और 14 लोग बी बी और सी, 14 लोग पसंद करते हैं, और 8 लोग तीनों उत्पाद, तीनों का कॉमन, 8 लोग तीनों उत्पाद पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं, कितने लोग केवल सी को पसंद करते हैं, पूछ रहा है एनसी डैश। इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इसको हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन वैन डायग्राम से मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया होगा, वैन डायग्राम से। चलो पहले तो तीनों आठ, देखो ये आठ है, तीनों पसंद करते हैं, ये तो आपका हो गया, ये सॉरी ये आपका हो गया, करा सी और ए, सी और ए, सी ए में कॉमन कितना है बारह, सी और ए बेटा, सी और ए, सी और ए पसंद करने वाले कितने हैं बारह, तो ये सी और ए तो यही पोर्शन है ना ये वाला, इस बार गलती ना होने पाए, अगर आप लोग साथ होते तो पकड़ते, इतने लोग ग्यारह हैं, ग्यारह में आठ भरा जा चुका है बच्चा तीन, बच्चा तीन तीन ना, अब बताओ जरा सी का देखो, सी का, सी का सी लोग कितने हैं उनतीस, अच्छा नहीं अभी नहीं, अब देखो कितने लोग बी और सी को पसंद करते हैं, बी और सी, बी और सी चौदह लोग, बी और सी बेटा ही आया, बी और सी का कॉमन ही आया, कितने हैं यहाँ बी और सी वाले चौदह, तो चौदह में आठ भरा जा चुका है, इसमें आठ आ गया ना, छह बचा,
ठीक। अब बोलो सी में कुल कितने थे, 29, कितने थे 29, 29 में से इतना माइनस कर दो, 29 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 6 तो कितना हुआ 8 × 4 = 17, 29 माइनस 17 तो कितना हुआ 12, यहाँ 12 आएगा, फिर से जोड़ता हूँ 12 6 18, 18 3 21, 21 8 29, 21 8 29। तो फिर गलती हुई है, कुछ हल्की सी गलती हुई है, जरा देखो तीनों कितने पसंद करते हैं 8, ए और सी में कितने हैं, ए और सी में, सी इंटरसेक्शन ए 12 है, 12 है ना, ए और सी यही हुआ ना, 12 है ना, तो 12 में से 8 यहां 4 होगा बेटा, क्या होगा 4, 4 यहां 4 होगा। फिर इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये सही कितना आया, ये 11, यही 11 है, ये केवल सी पढ़ते हैं, ठीक। इसी तरह से यहां निकाल लीजिए केवल बी पढ़ते हैं, यहां निकाल लीजिए केवल, अब तो सब निकाल चुके हैं, केवल ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 14 है, इसमें 14 है, 8 भरा जा चुका है, कितना बचा 6, सी का निकाल लिए। ए में देखो कितने हैं, ए में 21 में देखो कितने आ गए, 8 × 6 = 14 = 18 × 3 = 21, केवल ए 3, बी देखो 26 है, 26 वाला गोला ये है रिंग, 8 × 6 = 14 = 6 × 12 = 8 = 20, कितना 6। केवल अब तक पूछा है केवल उत्पाद सी, केवल उत्पाद सी का आंसर कितना है 11, केवल उत्पाद बी 6, केवल उत्पाद ए 3, मतलब अगर पूछे मान लो सी पूछ दिया आपसे केवल उत्पाद सी कितने लोग पसंद करते हैं, आपने निकाल दिया 11, यहां से डायरेक्ट लिखिए कितना केवल सी, केवल सी उत्पाद पसंद करने वाले, उत्पाद पसंद करने वाले, पसंद करने वाले बराबर कितना हुआ 11। अब अगर पूछता केवल बी तो क्या लिखते 6, कहता केवल ए क्या लिखते आप 3, ठीक है, पूछा तो केवल सी है लेकिन हम लोग तीनों का निकाल लिए। बेटा इस तरह से आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज समाप्त हुआ सेट का, आपको बताए थे कि सेट से रिलेशन, रिलेशन से फंक्शन बताए थे आपको। तो बेटा जब मैं क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था तो पहले 11 का रिलेशन पढ़ाया, एक्सरसाइज नहीं हल करवाया हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो कक्षा 12 में दिया था 11 का टोटल देने के बाद तब 12 का शुरू किया, तो जो कॉन्सेप्ट है बेटा उसको आज मैं जो 12 में था 11 वाला जो 12 पढ़ाए हैं, 11 वाला जो 12 पढ़ाए हैं उसका पहला कॉन्सेप्ट आज हम आपके प्लेलिस्ट में कक्षा 11 मैथ में ऐड कर देंगे, उसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद जब एक्सरसाइज आएगी तो एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्या जरूरत है दो बार वीडियो बनाने की, जब एक बार बना हुआ है वही चीज़ें फिर पढ़ाऊंगा, तो उसी को हम आपको क्लास 11th में ऐड करेंगे। तो यहां लिखा रहेगा कक्षा 12, लेकिन घबराइएगा मत क्योंकि 12 में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पहले 11 को पढ़ाया था, पहले 11 को पढ़ाया था, आप फिर जब 12 में जाएंगे पहले 11 को फिर से एक बार दोहराना पड़ता है, बिना दोहराए 12 में फ्लॉप हो जाओगे, तो वही किया था बेटा। तो अब हम पहला जो कॉन्सेप्ट आपका रिलेशन का है वो जो कक्षा 12 में पढ़ाया हूँ 11 का ही 12 में पढ़ाया हूँ उसको मैं आपको आज भेज दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ एक बात ये भी है,
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जो देखता हूँ ना मैं वीर देखता हूँ कि यह पार्ट 26 लोग देख लिए थे, यह पार्ट 3 लोग देखे। अब जो लोग डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे कहेंगे अरे ये तो 12 का दिया हुआ है, लेकिन जो इस लास्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि यहाँ 12 भले लिखा गया है लेकिन वो है किसका, 11 का। हमने गलती किया था उसमें 11th एंड 12th हमको डाल देना चाहिए था, नहीं डाले, हमने गलती किया है, ठीक है। तो आप उससे घबराइए मत, क्लास 12th लिखा गया है रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसको आपके प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे, उसको आप पढ़िए, इसके बाद एक्सरसाइज हम लगाएंगे। थैंक यू सो मच।